हेलो भाई साहब, सभी का स्वागत है एक और अनबॉक्सिंग की वीडियो में। तो इस वीडियो में रिव्यू करने वाले हैं रेडमी 12 का, जो कि बजट फोन है, जो कि आपको पड़ेगा 7000 के अंदर ही आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो उसका मैं रिव्यू करने वाला हूँ, आपको बुरा तो बताऊँगा कि क्या कैसे फीचर हैं। ठीक है, सारे बजे आपको इसमें देखने को मिलेगा, तो इस वीडियो को इनके वॉच नहीं। चलिए स्टार्ट करते हैं। वराइटी आपको पूरा कंप्यूटर स्क्रीन पर सारा बजट पर दिखाता हूँ कैसा फ्रंट ऑफ से इसमें फोन दिखता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, मैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे आ चुका हूँ और Redmi का ये फ़ोन है Redmi 12C, जैसा कि मैंने आपको बताया। ठीक है, तो ये फ़ोन आपको पड़ रहा है, वो देखिए 7000 रुपये का पड़ रहा है। ठीक है, जिसमें आपको 4GB रैम, तो 7000 रुपये का अपना 4GB रैम वाला फ़ोन मिल रहा है और जिसमें आपको 64GB स्टोरेज भी मिलेगा। ठीक है, तो इसमें हाई परफॉर्मेंस के लिए देखिए मीडिया टेक का हीलियो G85 प्रोसेसर दिया गया है और इसमें दो इसकी की फीचर वाली बात है जो बता दूँ आपको भाई। इसमें देखिए आपको 6.7 इंच का एक बड़ा डिस्प्ले मिल रहा है, HD डिस्प्ले मिल रहा है और एक और इसमें 5000 mAh आपको बैटरी देखने को मिलने वाली थी। तो 7000 का फ़ोन है, इसमें आपको इतनी बड़ी डिस्प्ले मिल गई और एक लॉन्ग लाइफ वाली बैटरी मिल गई, मतलब 5000 mAh की बैटरी मिलने वाली है। ठीक है, तो देखिए ये फ़ोन अच्छा है, फुल HD डिस्प्ले इसमें दिया गया है। फ़ोन का लुक आप देख लीजिए भाई, ये देखिए AI कैमरा दिया है इसमें और नॉच वाला फ़ोन है, बढ़िया है फ़ोन। लुक वाइज काफ़ी मस्त है। पीछे देखिए इसकी, मतलब एक प्रीमियम फिनिश में बॉडी दी गई है और मैं आपको इसका दिखा दूँ साइड से। ये फ़ोन देख लीजिए क्या है, लेवेंडर पर्पल ये कलर है इसका। ठीक है, और साइड वाला फोटो इसमें है नहीं है, दिखाता हूँ नीचे आपको। बिग डिस्प्ले दी गई है जैसा कि मैंने आपको बताया और यहाँ पर मीडियाटेक का हीलियो G85 प्रोसेसर इसमें दिया गया है और क्या है, स्टाइलिश स्ट्रिप डिज़ाइन दी गई है भाई, काफ़ी स्टाइलिश डिज़ाइन दी गई है। और पीछे इसमें देखिए इसका बैक सेंसर दिया हुआ है, मतलब फिंगरप्रिंट सेंसर। ठीक है, फ़ोन तो काफ़ी शानदार है, फ़ोन पे कुछ ऑफर भी चल रहे हैं, तो ज़रूर नहीं कि आपको फ़ोन 7000 के पड़े। अगर आपके पास अमेजन प्राइम मेम्बरशिप है तो 5% डिस्काउंट आपको वहाँ मिल जाएगा। ठीक है, तो लगभग 7000 से कम का ही आपको ये फ़ोन पड़ेगा। मैन्युफैक्चरिंग वारंटी मिल रही है इसमें आपको 1 ईयर की, 7 दिन का भाई सर्विस सेंटर से रिप्लेसमेंट भी मिल रहा है। वाओ, काफ़ी बढ़िया चीज़ है। यही फ़ोन आपको 4 128GB में भी मिल रहा है, उसका प्राइस थोड़ा डिफरेंट होगा। मैंने आपको 4 64 वाला बताया है, इसमें आपको 4GB रैम और 64GB स्टोरेज देखने को मिलेगा। और आपने आपको उसके बाद लिखा दूँ तो इसमें कैमरा में मिलने वाला है वो है 50 MP का। ठीक है, एंड AI कैमरा है और जो सेल्फी कैमरा होने वाला है वो है 5 MP का। तो कैमरा भी भाई, मतलब बजट के हिसाब से जो 7000 ने प्राइस रखा है उसके हिसाब से काफ़ी ठीक है, मतलब ठीक ठाक है, बहुत ही ठीक है, काफ़ी शानदार, मतलब ये फीचर इन्होंने इसमें ऐड कर दिया है। और बैटरी का तो इसमें बता ही दिया, 5000 mAh की बैटरी मिलने वाली है। डुअल ब्रांड भाई, वाईफाई सपोर्ट करेगा ये, और भी इसकी फीचर अपन देख लेते हैं क्या क्या है। चलिए, तो OS जो मिलने वाला है MIUI 13 मिलेगा, Android 12, रैम 4GB है इसमें और बैटरी तो भाई लिथियम की आ रही है, इसमें लिथियम पॉलीमर की बैटरी आ रही है जो काफ़ी अच्छी रहती है। आपने कभी अगर फ़ोन चलाए होंगे तो आपको पता होगा। और इसमें टच स्क्रीन तो खैर होगी वो तो पता है। ऑडियो जैक मिल रहा है 3.5 mm का और फ्रॉम द फैक्टर बार है। ठीक है, छोड़ो, मैं आपको सिर्फ वो इसकी काम की चीज़ें बता रहा हूँ जो कि एक यूज़र देखता है कि इस फ़ोन में क्या क्या चीज़ें हैं। तो इसमें देखिए ऑडियो जैक जो है 3.5 mm का है और इस फ़ोन का जो वजन होने वाला है वो है 192 ग्राम, मतलब काफ़ी लाइट वेट फ़ोन है यार, इसमें वजन ही मतलब काफ़ी कम दिया है। और फ़ोन जो स्टैंड बाय है, तो बैटरी को बताया गया है वो है 680 mm का दिया गया है, तो वो भी काफ़ी ठीक है। तो ओवरऑल ये फ़ोन काफ़ी ठीक ठाक है, अगर आप इसको लेना चाहें तो ज़रूर इसे ऑर्डर कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।